हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी। चलिए अब इनसे बात करते हैं। हम जानते हैं जिस तरह से बाबा आए हुए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे हैं, लोगों में ये आस्था कैसे आ गई और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। सर, जिस होटल में वो रुके हुए हैं उसको एक तीर्थ स्थल जैसा देखा जा रहा है, बुकिंग भी कैंसिल कर दिया गया। इनफैक्ट जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसको लोग जाकर पूजा कर रहा है कि देव शक्ति उसमें आ चुकी है। देखिए, धर्म आस्था का विषय होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है, अपना काम कर सकता है। संविधान ने हर किसी को समान अधिकार दिए हैं। आप जिन चीज़ों की चर्चा कर रही हैं उन चीज़ों से व्यक्तिगत रूप से मैं तो निर्भीज्ञ हूँ। प्रेस मीडिया में चीज़ें चल रही हैं तो आप रिएक्शन के लिए यहाँ आए हैं। अब अपनी आस्था के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी को भी गुरु मानकर कोई भी कृत्य करता है, काम करता है, तो उसमें किसी और की टिप्पणी का क्या औचित्य हो सकता है? लोग तो अपनी आस्था के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, हम लोग तो तब से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉनवेज का भक्षण करते हैं, मांसाहार करते हैं, और तब किस तरह से बाबा के मंच पर चढ़कर उनकी आरती उतार रहे थे। तो एक तरफ बाबा संदेश देते हैं कि लोगों को मांसाहार त्यागना चाहिए, शाकाहार पर रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके अनुयायी होने की बात करते हैं, उनको फॉलो करने की बात करते हैं, उनके नाम पर अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे थे लगातार। तो उनके मंच पर जब चढ़े और मांसाहार कर रहे हैं लगातार, तो ये किस तरह का कृत्य है? भाजपा के लोगों को तो जवाब देना चाहिए कि एक तरफ आप जयकारा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के कामों में संलिप्त हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में है बीजेपी के लोगों की तरफ से, और वो लोग इसी चीज़ की मार्केटिंग लगातार कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि उन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा क्या है कि मतलब हिंदू राष्ट्र वो कहना क्या चाहता है? जिस तरह से आज़ादी दिलाने की बात हुई थी, सेकुलर कंट्री बोला जाता है इंडिया को, हर जात के लोग मिलकर आज़ादी दिलाए थे, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ रही है? देखिए, इस पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी टिप्पणी की है। देश संविधान से चलता है, संविधान ने हर एक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। संविधान ही मूल ग्रंथ है, और हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें संविधान की मूल प्रस्तावना को भी पढ़ा था, और संविधान की मूल प्रस्तावना को आत्मसात करना ही हर भारतीय का दायित्व है, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना आता हो। तो यह राष्ट्र भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म की एक मजबूत मिसाल है। यहां पर पूरे विश्व में लोग भारत को इसी नजरिए से देखते हैं। तो न ये देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। तो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा तो सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इस देश ने आपके नेतृत्व में एनडीए को सत्ता दी है, आप जरा खुलकर बताइए ना कि देश संविधान से चलेगा, यह देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर हिंदू राष्ट्र है। आपके माध्यम से हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 और 25 में चुनाव आने वाले, क्या लगता है ये एक राजनीतिक साजिश किया गया है बाबा के नाम पर? सिर्फ इस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है उसको। 2024 के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के एजेंडा में शामिल है धर्म। कैसे धर्म के नाम पर तनाव पैदा करना, द्वेष पैदा करना, लोगों को बांटना, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, भारत पाकिस्तान की बात करना, ये जनता के बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं। जनता के बुनियादी मुद्दों के बारे में कहकर ये लोग सत्ता में आए थे। कहाँ गया महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा? ये सारे मुद्दे इनके लिए गौण हैं। इनके लिए प्रमुख मुद्दा यही है ताकि जनता का ध्यान भटक सके। इनके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, जानते हैं कि इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और आने वाला जो चुनाव है इनके लिए एक सबक होगा, इसलिए इनकी पॉलिटिकल नीति यही रह गई है। ये बाबा बोले थे कि अगर बिहारी, जो 5 करोड़ बिहारी हो गए, वो रोज टीका लगाकर निकलेंगे तब हम समझ जाएंगे ये हिंदू राष्ट्र हो चुका है और वो वापस यहाँ पर फिर आएंगे। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार ने देश ही नहीं पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है, संदेश दिया है। राजतंत्र नहीं है देश में, कोई कुछ कह दे और वही हो जाए। वैशाली की पवित्र भूमि है, यहाँ स्तूप है, एक सकारात्मक संदेश है पूरे देश में। लोकतंत्र की धारा को मजबूत करने के लिए बिहार के लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, और आप देखिएगा कि जिस बदलाव की बयार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनकर बही है, वही पूरे देश में होगी। ये देश धर्मनिरपेक्षता की मिसाल को और बुलंद करेगा।
ये थे जेडीयू प्रवक्ता। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से बाबा आए हैं और बीजेपी जिस तरह से आरती वारती कर रही है, ये सब साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरह से चुनाव आने वाला है, इस तरह से एक साजिश किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहना, हिंदू राष्ट्र की बात जो कह रहे हैं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर जातिवाद नहीं होता है, हर जात अच्छे से भाईचारा करके बनते हैं, फिर यहाँ पर जातिवाद करने की क्या ही बात है। बने रही है कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।